बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने ये कहकर गठबंधन से दूरी बना ली है कि लोकसभा चुनाव में सपा का वोट ही उन्हें ट्रांसफर नहीं हुआ, जिससे गठबंधन का कोई फायदा नहीं हुआ और अब उनकी पार्टी उपचुनाव अपने दम पर लड़ेगी। लेकिन लोकसभा चुनाव में वोट शेयर के आंकड़े कुछ और ही गवाही देते हैं। 80 में से जिन 15 सीटों पर गठबंधन को जीत मिली, वहां 2019 और 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान सपा बसपा के वोट शेयर की तुलना करने पर पता चलता है कि एक सीट को छोड़कर सभी 14 सीटों पर दोनों दलों के वोट एक दूसरे को ट्रांसफर हुए हैं। तभी मोदी लहर में भी गठबंधन 15 सीटें बचाने में कामयाब रहा। समाजवादी पार्टी ने जो 10 सीटें जीती है, वहां उसके खाते में सपा का 2014 वाला वोट शेयर जुड़ा है। इसी तरह सपा की 5 में से 4 सीटों पर बसपा का 2014 वाला वोट शेयर जुड़ा है। सपा के एक नेता का कहना है कि अगर वोट शेयर नहीं हुआ होता तो कैसे बसपा शून्य से 10 सीटें जीत गई? घाटा तो सपा का ही हुआ है जो 5 की 5 सीटों तक ही सीमित रही। 2019 के लोकसभा चुनाव में गाजीपुर में बसपा ने कुल 51.2% वोट शेयर के साथ जीत हासिल की, जबकि 2014 में बसपा का वोट शेयर सिर्फ 27.82% था। वहीं सपा का वोट शेयर 24.49% था। इस प्रकार देखें तो इस सीट पर 2014 की तुलना में बसपा का 22.26% वोट शेयर ज्यादा बढ़ा। जाहिर सी बात है कि ये वोट सपा से ही शिफ्ट हुआ होगा। मिसाल के तौर पर बिजनौर सीट को लीजिए, यहाँ भी बसपा को जीत मिली। 2014 में बसपा को सिर्फ 26.51% वोट शेयर मिला था, जबकि 2019 में 50.97% वोट शेयर रहा, यानी कि बसपा को वोट शेयर में 24.46% का उछाल रहा। ये उछाल सपा का वोट जुड़ने से ही आया है। इसी तरह जौनपुर सीट को देखें तो यहां भी बसपा सपा के वोट शेयर के दम पर जीतने में सफल रही। 2014 में बसपा का यहां वोट शेयर था 17.87% और सपा का 21.93%, जबकि 2019 के गठबंधन को 50.08% वोट शेयर रहा। इस प्रकार देखें तो बसपा ने गठबंधन के दम पर यहां 2014 के मुकाबले अपने वोट शेयर को 32.21% बढ़ाने में सफलता पाई है। इसी तरह लालगंज में 54.01% वोट शेयर हासिल कर बसपा ने सीट झोली में डाली, जबकि 2014 में यहां बसपा का वोट शेयर सिर्फ 29.04% था। श्रावस्ती में बसपा को 2014 के 26.55% के मुकाबले 44.31% वोट मिला है। वहीं अंबेडकर नगर, अमरोहा, नगीना और सहारनपुर लोकसभा सीट पर भी समाजवादी पार्टी के वोटों के दम पर बसपा ने जीत हासिल की है। आजमगढ़ में सपा को बसपा का वोट ट्रांसफर हुआ। पिछली बार जब मुलायम सिंह यादव लड़े थे तो 35.44% वोट शेयर के साथ 340,306 वोट पाकर जीत हासिल की थी, मगर इस बार अखिलेश यादव ने 60.04% वोट शेयर और 6,21,578 वोट हासिल कर जीत हासिल की है। इसलिए मायावती के दावे में सच्चाई नजर नहीं आती। वो एक सहमी हुई सी नेता है, उन्हें मेडिटेशन की सख्त जरूरत है।